वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी से रिलेटेड। आप सबको याद होगा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मैं डेली डाइट अपने बकरों को क्या देता हूँ, वो ठंडी के अकॉर्डिंग था। और उस वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था आप सब ऑडियंस का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी तरीके से जो डाइट ठंडी में देते थे, ठंडी में हम थोड़ा अक्सर जकर के ज़्यादा खिलाते हैं जानवर को, क्योंकि हज़म हो जाता है, गर्मी में उतना नहीं उस अच्छे तरीके से होता है। तो गर्मी में आपको डाइट थोड़ा मतलब थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है अपने डाइट में, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये पंखा चल रहा है फ़िलहाल, मैं बंद कर दूंगा इसको, और क्योंकि इनको अभी थोड़ी ठंडी लग रही है मॉर्निंग में। यहाँ गैलरी के पास है तो थोड़ा ठंडक हो जाता है, तो मैं पंखा स्लो रखता हूँ। तो अभी मैं इनका रस्सी भी खोल दूंगा, क्योंकि अब गोलू माशाल्लाह सुधर गया है, अब वो गर्म नहीं होता। पहले वो गर्म होता था, इसके लिए मुझे बांध के रखना पड़ता था। सेफ़र साइड में इनको बांध के रखता हूँ रात के समय, ताकि लड़े वड़े ना, और दिन भर मैं ओपन रखता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग जैसा कि मैंने कहा था, अक्सर करके लीवर टॉनिक और कैल्शियम टॉनिक जो भी है वो मॉर्निंग में दिया जाता है एम्प्टी स्टमक। अभी आप देख सकते हो फीडर, जैसा कि मैंने कहा ये दोनों नवाब हैं, ये बचा कुचा जो फीडर में है वो खाते ही नहीं हैं, मुँह ही नहीं डालते हैं अंदर। तो ये फीडर अभी में खाना मुझे ऑलमोस्ट वैसे ख़त्म कर चुके हैं, देख सकते हो बहुत थोड़ा ही बहुत बचा है। तो ये मुझे फेंकने में जाता है, और फेंकने के बाद मैं इनको पहले लिवर टॉनिक, तो खैर मैं 3 दिन पहले दे चुका हूँ तो गैप रखा हूँ, उसके बाद अभी आज तो मैं कैल्शियम दूंगा। कैल्शियम देने के बाद मैं फिर इनका फीडिंग स्टार्ट करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो मैं इनको कैल्शियम जो पिलाता हूँ वो ये है ऑस्टोवेट फोर्ट। ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टोवेट फोर्ट, वैमरल और ग्रोविप्लेक्स, तीन चीज़ का कंबाइन करके मैंने इनका कैल्शियम बनाया है। तो ये लगभग मॉर्निंग में आपको 10 ml देना है, दोनों को मैं 10-10 ml देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनका फीडिंग स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं इनको ये वाला कैल्शियम दूँगा, ये 10 ml मैंने भर लिया कैल्शियम। अभी मैं पहले गाजी को दूंगा, आराम से ये लोग ले लेते हैं। इनको देखो ये ऑटोमेटिकली अपना फेस वैसा कर लिए हैं, इनको आदत इतनी हो गई है कि जब मैं सिरिंज इनके करीब लेके जाता हूँ तो ये खुद ही अपना एक्सप्रेशन बदल लेते हैं, और देखो कैसे सिरिंज खुद ही वो लेना चाह रहा है। बोलो, तो मुझे कुछ मेहनत लगती ही नहीं है इनको पिलाने में। ले ले गाजी, ले देखे कितना आराम से मैंने पिला दिया। तो ये आप देखिए, ये यहाँ ले गया ना तो ये खुद ही ले लिया है, देखे देखे देखिए। तो इनको आदत हो गई है कि इनको पता है कि मैं कुछ टॉनिक पिला रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से पी लिया माशाल्लाह। अभी मैं इनको फीडिंग स्टार्ट करूँगा, मैं इनका रस्सी खोल दूँगा और फीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये मैं भी इनको हरी पत्ती डालूँगा। स्टार्टिंग एज यूजुअल, कभी भी हमेशा स्टार्ट करो मॉर्निंग तो ग्रीन फीड से करो। थोड़ी हरी पत्ती डाला हूँ, अब ये हरी पत्ती खाएंगे। ये अभी हरी पत्ती खा रहे हैं, और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में अक्सर करके ये लोग कम खाते हैं और स्लो खाते हैं। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बकरे जो हैं वो डे टाइम पे उतना खास खाते नहीं हैं, शायद एक्सेसिव गर्मी के वजह से। वैसे ज़्यादा इनको मैंने सारा जुगाड़ किया है इनका, इनको हवा लगता है, एग्जॉस्ट फ़ैन यहाँ पे लगाया ताकि गर्म हवा फेंके, और ऊपर सीलिंग फ़ैन लगाया है। और इन लोग ये ज़्यादा पानी पीने को इनको क्रेविंग होती है ज़्यादा, तो अक्सर करके पानी का ध्यान दीजिए। और तो अभी ये ग्रीन फीड खा रहे हैं हरी पत्ती के बाद, थोड़ी देर बाद अभी मैं इनका नेक्स्ट शेड्यूल शॉर्टली आपको बताऊंगा जब ये हरी पत्ती इनका खा के हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हरी पत्ती ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर दिए, एज़ यूजुअल हरी पत्ती ये बचा कुचा है। हरी पत्ती अक्सर करके ये फितरत है बकरों की, आप जितना भी हरी पत्ती इनको डालो ये लास्ट में थोड़ा बहुत छोड़ेंगे। क्या मस्ती चालू है इधर, लगभग मैंने आधा पौने घंटे का ब्रेक लिया है।
अब ये हरी पत्ती इनका खा के हो गया है। अब मेन चीज़ आता है पानी, पानी इनको पिलाना ज़रूरी है, तो मैं अभी इनको पानी दूंगा। तो ये पानी है, ये इनको मैं आपको बताऊंगा मैं कब कब कौन से टाइप का पानी देता हूँ। अभी मॉर्निंग में तो मैं इनको वही हिमालय बत्तीसा और गुड़ और ये पानी मिला के मैं देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं किस टाइप का पानी दूंगा वो भी आपको बताऊंगा। तो ये पानी फ़िलहाल मैं अभी इनको पिलाऊंगा। तो ये मैं अभी पानी पिला रहा हूँ दोनों। ऑलमोस्ट इन्होंने ये पूरा बाउल जो है वो ख़त्म कर दिया। तो इससे पहले जब ठंडी में मैं उनको पानी पिलाता था तो ये इतना ख़त्म नहीं करते थे, आधा बचा रहता था, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म किए। तो ये प्रूफ है कि ये पानी बहुत पीते हैं। क्या और पीना है? क्या और पीना? नहीं, हो गया। तो अभी इनका पानी हो गया है, अब मैं इनको दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा और नेक्स्ट हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगा, फिर मैं उनको और दूसरा फीड डालूँगा। अभी इनको भूख और लगी है, तो क्या है इसलिए ब्रेक देता हूँ ताकि बीच में इनका क्या है पानी एक बार पी लेते हैं ना तो गला थोड़ा मतलब फ्री हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये लोग जो बची कुची हरी पत्ती है वो भी खाते हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि और थोड़ा बहुत खा के यूज़ हो जाए हरी पत्ती, उसके बाद फिर मैं इनको दूसरा फीड डालूँगा। क्या हुआ बेटा? ये देखो, ये ऐसे ही हरकत करता था गोलू पहले, तो मैं इसको बांध के रखता था, बट अभी उतना एग्रेसिव नहीं रह गया, ये थोड़ा बहुत मस्ती करता है अब। ये खाली देख सकते हो, बहुत मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, मैं इनको अभी फीड दें, दूसरा फीड डालना था, तो ये मैंने स्टार्टर डाला है, ये PNS का स्टार्टर है। ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसमें, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, एकदम वेट गेन प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये अभी एज़ पर गर्मी के हिसाब से ये मैंने पूरा देख सकते हो स्टार्टर डाला है और ये खा रहे हैं। अब 9:30 बजे मैंने इनको डाला है। अब ये ना, ये बहुत स्लो खाएंगे स्टार्टर को क्योंकि गर्मी है, और 1 बजे तक ये खाते रहेंगे तब जाके कहीं इनका फीडर ख़त्म, ये फीडर एम्प्टी होगा। 12-1 बजे तक इनको लगेगा ये पूरा स्टार्टर खाने को। हालांकि मैंने ज़्यादा डाला भी नहीं है, मैं जितना ठंडी में इनको डालता था ना काउंट, उसका 60% ही मैंने अभी डाला है। मसला ये है कि इन लोग ने पानी पिया है अच्छे से, और पानी पीने के बाद मैंने इनको लगभग 12-15 घंटे का वापस ब्रेक दिया। 9:30 बज रहे हैं अभी लगभग, और तभी मैं इनको स्टार्टर डाला हूँ। अब ये 2-3 घंटा आराम से खाएंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर उठ के खाएंगे, तो ऐसा कर करके धीरे धीरे ये लोग खाएंगे। और फिर अगला, अब मैं डायरेक्टली इनको आफ्टरनून में लाइट फीड डालूँगा, उसके बाद आगे का शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये देखिए थोड़ा सा इन लोग आराम आराम से खाते हैं, स्टार्टर अभी भी थोड़ा बचा हुआ है इसमें, वैसे काफ़ी कुछ खा के ख़त्म कर दिए हैं ये लोग, और थोड़ा बचा है। और देखो, वैसे पंखा चालू कर रखा है मैंने, ठीक है, और गोलू मज़े से सो रहा है और गाजी बैठा हुआ है, और अभी 12 बज रहे हैं लगभग। ये देखो, ये अभी फिर खाना स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे ही ये लोग घूम घूम के खाएंगे। तो ये अभी 2:00 बज रहे हैं, और ये बचा कुचा स्टार्टर है, और आप देख सकते हो एकदम आराम कर रहे हैं लोग, रिलैक्स कर रहे हैं। तो सीन क्या है, दोपहर में कभी कभी बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स मैं इनको दोपहर में लाइट खाना डालता हूँ, क्योंकि इनका ज़रा भी मन नहीं करता दिन भर खाने का, खाली मॉर्निंग में खाए तो खाए, उसके बाद में फिर ये लोग आराम करते हैं दिन भर, और फिर अच्छा रिस्पॉन्स ये लोग शाम को देंगे। फिर भी इनका कभी मान लो 3-4 बजे कभी मूड हुआ उठ के खाने का, तो मैं खाना डाल के छोड़ देता हूँ, और फिर मैं अपना शाम को फिर शेड्यूल बनाता हूँ।
तो अभी इनको खाना डालने से पहले मैं एक बार और पानी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, दोपहर के टाइम मैं इनको सादा पानी देता हूँ, मैं मेरे फिल्टर का ही पानी पिलाता हूँ इनको, मैं इनके लिए कोई दूसरा पानी नहीं रखता हूँ। जो हम लोग पानी पीते हैं वही मैं अपने बकरों को पिलाता हूँ, फिल्टर पानी। तो दोपहर के टाइम मैं कुछ मिक्स नहीं करता हूँ, फ्रेश सादा पानी इनको देता हूँ पीने को। अभी मुझे देख के ये लोग उठ गए हैं, इन लोग को लगा है कि मैं कुछ अभी खाने को डालूँगा, तो अभी खाना डालने से पहले मैं थोड़ा इनको पानी दिखाऊँगा। ए गोलू, गाजी ये लो। तो गोलू माशाल्लाह पी रहा है पानी। गाजी, मेरा डाउट है, गाजी नहीं पीता, नहीं पिएगा मोस्टली ये पानी, उसके मूड की बात है, कभी पिया तो पिया दोपहर में। तो गाजी नहीं पिया पानी, पिएगा क्या? ले देख बेटा, तो ये था इनका दोपहर में मैं पानी पिलाया। अब पानी के ऊपर मैं एक चीज़ बताऊंगा गाजी की ख़ास बात, ये बकरा जब ठंडी थी तो ये मैंने अभी इनको डाला है तूर भूसा। तूर भूसा फ्रेंड्स लाइट खाना होता है, जैसे हरी पत्ती है तूर भूसा है। हरी पत्ती कभी कभी मैं डाल देता हूँ दोपहर में, कभी कभी तूर भूसा डालता हूँ। और मैंने स्टार्टर क्या किया, एक साइड में कर दिया जो बचा हुआ था, तो कभी बास दफ़ा उनका शाम को मूड होगा तो वो खाएँगे। तूर भूसा मेरे बकरे बहुत शौक से खाते, तो अभी उनका ये खाने का शेड्यूल है। अभी तूर पानी पिए हैं और तूर भूसा मैंने डाला, ये लोग तूर भूसा खा रहे हैं। तो अब ये खा के रिलैक्स करेंगे और फिर अब मैं इनको शाम को जो भी डालना होगा डालूँगा, क्योंकि इतना खाना काफ़ी है। तो ये मेरा दोपहर का शेड्यूल था, एकदम लाइट खाना देता हूँ, क्योंकि एक देख सकते हो पूरा बहुत गर्मी होती है। वो तो अच्छा है कि मैंने सही टाइम पे फ़ैन लगा दिया है, नहीं तो बेचारे बहुत परेशान हो जाते गर्मी से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं तूर भूसा ख़त्म हो चुका है, ये सब तूर भूसे का जो लकड़ी वकड़ी रहता है वो सब पड़ा है तूर भूसे का। तो अभी शाम के 6:15 बज रहे, तो ये अभी का शेड्यूल है। अभी गोलू का जो एज़ यूजुअल स्पेशल डाइट है दूध वाला, वो दूध उसका कंटिन्यू है, और गाजी दूध नहीं पीता है। तो अभी शाम के 7 बज रहे, अभी थोड़ा एक घंटा पहले मैंने आपको फीडर दिखाया था, काफ़ी कुछ बचा था, तो ये लोग ने माशाल्लाह खा के जो बचा कुचा है वो ख़त्म कर दिया। एकदम माइनर सा वेस्टेज बचा है, ये आप देख सकते हो। अब ये लोग उसको टच नहीं करेंगे वेस्ट को। मोस्टली 6 बजे मैं अक्सर आके चेक करता हूँ, और 6 बजे जैसे आपने देखा वीडियो में थोड़ा बहुत बचा था अनाज, तो मैंने डाला नहीं ज़बरदस्ती। अगर कभी दोपहर में, इनके मूड की बात है, अगर ये कभी खा के ख़त्म कर देते दोपहर में, तो शाम के टाइम अक्सर करके मैं तूर भूसा डालता हूँ। तूर भूसा क्या है, लाइट खाना है। हरी पत्ती भी फ्रेंड्स थोड़ा हैवी हो जाता है, बट इतना नहीं, तूर भूसा लाइट है। शाम के टाइम नाश्ते के तौर पे अगर देना है आपको अक्सर करके बकरों को, तो तूर भूसा दे सकते हो। इसमें ऑलरेडी तूर भूसा और थोड़ा बहुत स्टार्टर था, इसके लिए मैंने डाला नहीं। अभी लगभग 7 बज गए, अब ये जाके पूरा फीडर ख़त्म किए हैं। अब खाली अपना गोलू जो है इसको अभी दूध देना है। दूध एक्चुअली थोड़ा गर्म है, इसके लिए ठंडा होने के लिए वेट कर रहा था मैं। दूध दे के फिर आगे का मैं रात का फाइनल शेड्यूल अब आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये है दूध गोलू का, देख रहे हो गोलू कैसा परेशान है दूध देख के, उसको सिर्फ दूध की स्मेल जाते ही वो एकदम पागल। देखो ये देखो, इसका रूप दे रहा हूँ, एकदम उसको दूध की स्मेल जाते ही वो एकदम परेशान हो जाता है। गोलू, हाँ बेटा गोलू, तो अभी वो जबान निकाल रहा है, एकदम परेशान है। देखो 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 देखो, रुक दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, रे ले ले माशाल्लाह। ये देखो उतर नीचे, अभी ये खुद उतर जाएगा, थोड़ा यहाँ दूध भी गिरा दिया, तो इसको इस हद तक क्रेविंग होती है। तो अभी बोलो इधर दिखा चेहरा अपना, देखो दूध लगा हुआ है अभी भी, तो ये दूध पी लिए हैं माशाल्लाह से। और अभी मैं इनको रात का खाना डालूँगा,
थोड़ा ब्रेक लूँगा, पर अभी जस्ट दूध पिया है गोलू। क्या है क्योंकि दोनों को साथ में खाना डालता हूँ, तो ये अभी रात के समझ लो 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 7:45 पकड़ लिए। अब इनका फीडर खाली है, अब ये फाइनल रात का खाना मैं इनको डालने जा रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह ये अच्छे से खाएंगे खाना, क्योंकि अभी गर्मी नहीं है। अभी यहाँ पे ना गैलरी है ना, तो गैलरी थोड़ी ठंडी हो जाती है शाम के टाइम, माशाल्लाह से अच्छा वेदर हो जाता है, तो इनको उतनी उमस मिलती नहीं है ह्यूमिडिटी, तो अच्छे से खाते हैं रात के टाइम। तो अभी मैं इनको रात का खाना, पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा, और यही आप लोगों को मुझे बताना था कि गर्मी में मैं क्या डाइट दे रहा हूँ बकरों को। तो फ्रेंड्स, गर्मी में हम लोग के जैसा अज्यूम करिए, हमारा भी कुछ ज़्यादा मन नहीं करता खाने का, जैसे तेल मसाला हो गया, हम भी सादा खाना अक्सर पसंद करते हैं गर्मी में, तो उसी तरीके से ये जानवर भी हैं, ये भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। आप अगर मेरी पास्ट की वीडियो जाके चेक करेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ खिलाया था इनको, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और अभी आप देख सकते हो वीडियो, आप पूरा दिन का मैंने शेड्यूल आपको दिखाया गर्मी का। इन लोग ने जितना मैंने सर्दियों में खिलाया उसका 50% मैंने अभी खिलाया है इनको। तो ये पोजिशन होता है गर्मी में, इनके बॉडी में पानी जाना ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में, और खाना ऐसा है कि हिसाब से दे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो एंड करता हूँ, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।